नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे धोरण 8 માં કાવ્ય 4 છે ઉઠો ધરાકે અમર સપૂતો ભાગ 1 માં આપણે વણી ગયા છીએ. હવે અત્યારે અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય આપણે જોઈશું અને શબ્દાર્થ તમારે ઘરે જાતે લખવાના છે. તો અભ્યાસ માં છે, પહેલું છે આશય સ્પષ્ટ કીજીએ. યુગ યુગ કે મુરજે સુમનો મેં નઈ નઈ મુસ્કાન ભરો, उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो. तो आपणे आ जे काव्य पंक्ति छे समझावानी छे. हे मातृभूमि के पुत्रो, तुमने इस देश की स्वतंत्र करने के लिए बड़ा संघर्ष किया है और अंत में तुम विजयी हुए हो. सचमुच तुम भारत माता के सपूत हो, लेकिन अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है. युग युग से पराधीनता में रहते यहाँ के देशवासियों के हृदय में निराशा भर गई है. तुम्हें इस निराशा को दूर कर इन्हें आशा बांधनी है. पराधीनता के दरमियान जो बर्बादी हुई है उसे दूर करके क्षेत्र में नया निर्माण करो. कवि ने देश के सपूतों को क्या संदेश दिया है? तो कवि ने देश के सपूतों से कहते हैं कि देश स्वतंत्र हो चुका है, अब तुम्हें देश का नवनिर्माण करना है. स्वतंत्रता का लाभ जन जन तक पहुंचाना है. देशवासियों तुम्हें बड़ी आशाएं रखते हैं, तुम्हें उसे निराश करना नहीं है और तुम्हें लोगों में नए प्राण फूंकने हैं. विकास के नए रास्ते खोजकर तुम्हें देश का पिछड़ापन दूर करना है. इस कवि में देश के सपूतों को संदेश दिया है कि वे एक नए युग में आए. हमारी राष्ट्रीय संपत्ति कौन कौन सी है, उसकी सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? तो हमारी राष्ट्रीय संपत्ति एटले के आपणी राष्ट्रीय संपत्ति कई कई छे अने एनी सुरक्षा एटले के एने सारी रीते साचवा माटे आपणे शुं करी शकीए छीए एना विशे आपणे लखवानुं छे. तो आपणी राष्ट्रीय संपत्तिमां रेलगाड़ी, रेलवे स्टेशन, राष्ट्रीय राजमार्ग, नदिया, अभयारण्य, पुरातत्व संबंधी आदि हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है. राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है. हम रेल संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे, એટલે કે રેલની જે સંપત્તિ છે એને અમે નુકસાન પહોંચવા દેશું નહીં. રાજમાર્ગો की मरम्मत के लिए सरकार को पत्र लिखेंगे. राजमार्ग छे एनी मरम्मत एने कई थयुं हशे तो एना माटे अमे सरकार ने पत्र लखीशुं. हम लोगों को पानी का महत्व समझकर उसका अपव्यय रोकेंगे. सरकार द्वारा संरक्षित इमारतों का नुकसान नहीं पहुंचने देंगे. हम पुरातत्व विभाग को सूचित करेंगे. अभयारण्यों में रक्षित पशुओं का शिकार करने नहीं देंगे. उससे संबंधित अधिकारियों को सावधान करेंगे. हमारी राष्ट्रीय संपत्ति कौन सी है और उसकी सुरक्षा के लिए आपणे हवे ए भणी गया. हवे स्वाध्याय छे. निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए. कवि माहेश्वरी जी धरा के अमर सपूतों से क्या चाहते हैं? तो कवि धरा के सपूतों को देश यह कहना चाहते हैं कि देश हमारा स्वतंत्र हो चुका है, अब तुम्हें देश का नव निर्माण करना है. स्वतंत्र का लाभ जन जन तक पहुंचाना है.
देशवासी तुमसे बड़ी बड़ी आशाएं रखते हैं, तुम्हें उसे निराश करना नहीं है, तुम्हें लोगों में नए प्राण फूंकने हैं, विकास के नए रास्ते खोजकर तुम्हें देश का पिछड़ापन दूर करना है। और देश सदियों की गुलामी के बाद हमारे देश में जो स्वतंत्रता मिली है, कवि यह चाहते हैं कि युवक स्वतंत्रता के बाद देश का निर्माण करें, वे लोगों के जीवन में नए उत्साह भरें, उनके नए प्राण का संचार करें, युग युग में मुरझाए हुए फूलों की नई मुस्कान भरें और अपनी मंगलमय वाणी और संसार रूपी उद्यान को गुंजित करें। वे तरह तरह का ज्ञान प्राप्त कर देश का भविष्य उज्जवल बनाए। इसी तरह कवि ने धरा के अमर सपूतों से अनेक अपेक्षाएं रखते हैं। कवि नई मुस्कान कहाँ देखना चाहते हैं? तो कवि नई मुस्कान कहाँ देखना चाहते हैं? दिलों के फूल स्वतंत्रता के प्रकाश में खिलते हैं। हमारा देश सदियों तक गुलामी के अंधेरे में रहा है। विदेशी शासक यहाँ के लोगों पर अत्याचार करते रहे, अन्याय और तरह तरह का शोषण हम सहते रहे, लोग अपना स्वाभिमान खो बैठे, उनके दिलों में उदासी छा गई है। कवि की इच्छा है कि ऐसी मुर्दा दिलों को फिर से एक नया जीवन और नया संसार दे। इस प्रकार कवि युग युग से मुरझाए हुए हृदय सुमनों और मुस्कान देना चाहते हैं। इस कविता में कौन सी बात है तुम अपने जीवन में उतारना चाहते हैं? तो उठो दरा के अमर सपूतों में कविता में निम्नलिखित बातें हैं जो उन्हें हम अपने जीवन में उतारना चाहती हूँ। मैं अपने देश से प्रेम करूँगा। मैं केवल अपने देश के लिए ही नहीं बल्कि मेरे देश के लिए जीऊँगा। मैं सारे देशवासियों को अपना मानूंगा। मैं खूब मन लगाकर पढ़ूंगा, पढ़ लिख कर ज्ञान का उपयोग कर देश की सेवा के लिए करूंगा। मैं चाहता हूं कि मेरी योग्यता का लाभ देश को मिले। मैं ऐसे काम करूंगा जिसे देश का गौरव और बढ़े। मैं देश की रक्षा करने में कभी पीछे नहीं हटूंगा। अब बीजू छे दिए गए काव्य को पढ़कर प्रश्न के उत्तर दीजिए। ये तमारे जाते करवानू रहेशे। चित्र के आधार पर कविता में निम्नलिखित शब्दों का उपयोग हुआ है। चित्रनी आधार पर एमा कया कया फूल, तितली, बादल और बारिश। धीरे धीरे बादल बरसे, फुलवारी में फूल खिलते हैं, फिर तितली के पंख खुले हैं, वृक्षों में नव जीवन पाया, बारिश में नए रंग जमाया, कोई ना अब पानी को तरसे, धीरे धीरे बादल बरसे। पछी अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। अपूर्ण जे काव्य छे ने पूर्ण करवानु छे। माँ खादी की चद्दर दे दो, मैं गांधी बन जाऊंगा, घड़ी कमर में लटका लूं, आंखों को चश्मा पहना लूं, माँ छोटी सी लाठी दे दो, ठक ठक करता जाऊंगा। तो अहियाँ जे स्वाध्याय अभ्यास छे ए पूर्ण थाय छे। हवे आपणे नमस्ते, जय गणेश।